वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सिखाने वाला कि बैक बेंड फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे इम्प्रूव करें। तो ध्यान से देखिएगा कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जो भी ज़्यादा सबसे ज़रूरी होगा वही एक्सरसाइज सिर्फ मैं आपको बताने वाला हूँ। मुझे कमेंट में किसी ने बोला था कि ये बैक बेंड फ्लेक्सिबिलिटी कैसे मैं कर सकता हूँ, तो उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप सब इसको सीख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और चलिए अपने चलते हैं वीडियो पर। तो जो सबसे पहली एक्सरसाइज है आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको लेट जाना सीधे सीधे, और आपको अपने हाथ को इस गैपिंग में रखना है, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको धीरे धीरे उठना है, आप देख सकते हैं कैसे उठना है। कमर आपका ज़मीन में टच रहेगा, बाकी आगे से बॉडी आपकी उठी रहेगी, और धीरे धीरे हाथ को आपको पीछे ले आना है और ऐसे पुश करना है जितना ज़्यादा हो सके। आपको डेली डेली इसकी प्रैक्टिस करनी है, इससे और ज़्यादा ये इम्प्रूव होने लगेगा। फिर आपको इसको और ज़्यादा बढ़ाना है, आप इसमें पीछे देख सकते हैं, पीछे देखेंगे तो और भी ज़्यादा आप बैंड होंगे बैक से। फिर आपको ये करते करते होल्ड भी करना है। इसके बाद आपको ये पीछे बैंड होने के बाद आपको ये जो पैर है इसे मोड़ लेना है, और इसमें सर को टच करने की कोशिश करना है। तो स्टार्टिंग में आपसे नहीं होगा, लेकिन आप डेली डेली जब इसकी प्रैक्टिस करने लग जाएंगे तो ये आपसे होने लग जाएगा। उसके बाद आपको ब्रिज बनाना है, और ब्रिज का लेवल अप करना है, मैं दिखाता हूँ कैसे। पहले मैं नॉर्मल ब्रिज बनाता हूँ, उसके बाद आपको पैर को सीधा कर लेना है और बॉडी को पूरा स्ट्रेच करना है। आप देख सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ इसी तरीके आपको करना है। फिर आपको चेयर पोजीशन बनाना है ब्रिज में ही। उसके बाद ब्रिज में ही आपको धीरे धीरे और अंदर पैर लाना है और हाथ को भी। तो जो मैंने अभी एक्सरसाइज बताया उसको करने के बाद आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे थोड़ा पेन महसूस हो सकता है। तो उसके लिए आपको एक एक्सरसाइज ये वाला करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, हाथ को दोनों ऊपर कर लेना है और पीठ को एकदम सीधा करते हुए आगे जाना है, और पंजे को पकड़ लेना और धीरे धीरे खींचना है इसे। उसके बाद आपको थोड़ा रिलैक्स करना है, कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। आपको हाथ दोनों को आगे रखना है ऐसे, और सिर को ज़मीन में से टेक लेना है। तीस चालीस सेकंड आप ऐसे होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद जब इतना आप कर लें तो उसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप ध्यान से देखिएगा ताकि आप अच्छे से समझ सकें। आपको उसी तरह वापस से लेट जाना है, और अपने हाथ को पैर के नीचे रखना है, जस्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। दोनों हाथ को पैर के नीचे से रख लेना है। उसके बाद
अपने पैर को ना ऊपर की तरफ जंप करना है, मतलब फेंकना ऊपर ऐसे, ठीक है। तो स्टार्टिंग हो सकता है आपका ज़्यादा ना हो, थोड़ा थोड़ा ही हो, तो आप उतनी ही प्रैक्टिस करके और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बस डेली डेली आपको बढ़ाना है उसको। मान लीजिए अभी आपका इतना हो रहा है, तो आप धीरे धीरे इसको बढ़ाइए, फोर्स लेके आपको इसको जो है ऊपर की तरफ फेंकना है। उसके बाद इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करना है। इतना करने के बाद आपको पैर और ज़्यादा ऊपर फेंकना है कि आपका पैर सीधा होने लग जाए, और जब पैर सीधा हो जाए तो आपको वहाँ पे रोकने की कोशिश करनी है। मैं दिखाता हूँ कि कैसे। अभी मैं पैर फेंकूँगा और पैर को ऊपर रोकने की कोशिश करूँगा। अभी मैं पैर सीधा करके दिखाता हूँ और वहाँ पे होल्ड करूँगा। तो इस तरह से आपको होल्ड करना है। इससे क्या होगा कि आप कमर में भी आपकी पावर आएगी, जिससे आप पैर को होल्ड कर सकेंगे, और धीरे धीरे फिर आपको पैर को आगे की तरफ मोड़ना है। मैं थोड़ा सा आपको करके दिखा रहा हूँ एक बार। तो इस तरह से आपको पैर को धीरे धीरे आगे ले आना है और इस तरह से मोड़ना है। तो जब आप होल्ड करेंगे पैर ऊपर फेंक के और आगे की तरफ पैर लाएंगे, तो आपके हाथ पे भी पावर लगेगी, ठीक है। तो अगर आपको हैंड पावर बढ़ाना है तो आप एक वीडियो बनी हुई है इस पर, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो जब आप इतना करने लग जाए तो आपका नेक्स्ट टारगेट होगा कि आप पैर को जब आगे की तरफ मोड़ें तो ज़मीन को टच करने की प्रैक्टिस करनी है। अब ज़मीन से पहले आप सिर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं टच करने की, उसके बाद ज़मीन को भी। मैं अब आपको करके दिखाता हूँ। तो जितना मैंने आज आपको बताया आप इसकी प्रैक्टिस करके इसको सीख सकते हैं। और हाँ, अभी मैं आपको बताऊंगा कि हैंड स्टैंड पे यही सेम चीज़ कैसे करना है, लेकिन आपको इसके लिए हैंड स्टैंड सीखना पड़ेगा और इसके लिए हैंड पावर बहुत ज़्यादा होना जरूरी है। अगर आपको हैंड पावर बढ़ाना है तो इसके लिए वीडियो आप जाके देख सकते हैं। अभी मैं इसको हैंड पे करके दिखाता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।